हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अफगानिस्तान के एक यंग और टैलेंटेड ऑफ स्पिनर मुजीबुर रहमान के बारे में। मुजीबुर रहमान 20 साल के एक मिस्ट्री स्पिनर हैं जिनके वेरिएशंस अजंता मेंडिस से मिलते जुलते हैं, जो कि एक श्रीलंकन ऑफ स्पिनर थे। मुजीबुर रहमान T20 के एक शानदार बॉलर हैं जिनके T20 इंटरनेशनल में टोटल 25 विकेट हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.15। IPL, करेबियन प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग, वाइटैलिटी ब्लास्ट और सभी T20 डोमेस्टिक लीग्स में उनके टोटल विकेट्स है 149 विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.71। अब ये जानते हैं कि लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में मुजीबुर रहमान इतने सक्सेसफुल क्यों हैं और कैसे हैं। उनकी सक्सेस के दो मेन रीजन हैं। पहला, नॉर्मल ऑफ स्पिन डिलीवरी के अलावा वो 3 वेरिएशंस और डालते हैं, और दूसरा वो इन वेरिएशंस को एक्यूरेसी के साथ डालते हैं। मतलब जिस लेंथ पर वो ऑफ स्पिन डालते हैं उसी लेंथ पर वो अपनी वेरिएशन डिलीवरी भी डालते हैं। अब मैं आपको 3 वो वेरिएशंस बताऊंगा जो मुजीबुर रहमान डालते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो ये 3 वेरिएशंस कैसे डालते हैं और इन 3 वेरिएशंस को डालने के लिए उनकी ग्रिप क्या रहती है। तो जो पहली वेरिएशन है वो है कैरम बॉल। कैरम बॉल एक लेग स्पिन बॉल की तरह होती है जो कि एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ टर्न होती है। जब मुजीब कैरम बॉल कराते हैं तो रिलीज करते टाइम वो बॉल को अपनी मिडल फिंगर की मदद से फ्लिक करते हैं, जिस वजह से बॉल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है और राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ टर्न होती है। इस वीडियो में मुजीबुर रहमान बॉल को अपनी मिडल फिंगर की मदद से फ्लिक कर रहे हैं। कैरम बॉल के लिए ग्रिप कुछ इस तरह से होती है, राइट हैंडेड बैट्समैन के लेग स्टंप पे पिच करने के बाद ये ऑफ स्टंप की तरफ टर्न करती है। जब आप रिलीज करते हो तो आप बॉल को कैरम के स्ट्राइकर की तरह फ्लिक करते हो, कुछ इस तरह। ये शानदार कैरम बॉल मुजीब उर रहमान ने रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप में कराई थी। दूसरी वेरिएशन है इनवर्स कैरम बॉल, जो कि एक गुगली की तरह होती है। ये राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ टर्न होती है। इनवर्स कैरम बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ आती है और ये शानदार इनवर्स कैरम बॉल मुजीबुर रहमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराई थी। जब मुजीब इनवर्स कैरम बॉल रिलीज करते हैं तो वो उसे अपने बैक ऑफ द हैंड से रिलीज करते हैं ताकि बॉल के ऊपर क्लॉकवाइज स्पिन हो और बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ स्पिन हो, यानी कि ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद बॉल लेग स्टंप की तरफ स्पिन हो। इनवर्स कैरम बॉल बैक ऑफ द हैंड से रिलीज होती है, ऑफ स्टंप पे पिच होने के बाद ये लेग स्टंप की तरफ टर्न होती है। कैरम बॉल और इनवर्स कैरम बॉल में मेन डिफरेंस ये है कि कैरम बॉल फ्रंट ऑफ द हैंड से रिलीज होती है और इनवर्स कैरम बॉल बैक ऑफ द हैंड से रिलीज होती है, जिस वजह से ये राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ टर्न होती है। इस वीडियो में लेफ्ट फ्रेम में है कैरम बॉल और राइट फ्रेम में है इनवर्स कैरम बॉल। दोनों की ग्रिप सेम होती है, लेकिन इनवर्स कैरम बॉल बैक ऑफ द हैंड से रिलीज होती है। कैरम बॉल और इनवर्स कैरम बॉल के लिए ग्रिप सेम रहती है। तीसरा वेरिएशन है फ्लिपर, जो ग्रिप होती है वो कैरम बॉल की तरह ही होती है, लेकिन जब मुजीब फ्लिपर कराते हैं तो रिलीज करते टाइम वो अपने हाथ को थोड़ा साइड ऑन पोजिशन में रखते हैं, जिस वजह से बॉल के ऊपर एक बैक स्पिन होती है और एयर में फ्लोट करती है और पिच पे पड़ने के बाद स्किड करती है और तेज निकलती है। जनरली फ्लिपर राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए हवा में बाहर की तरफ निकलती है। ये शानदार फ्लिपर मुजीब उर रहमान ने निकोलस पूरन को CPL में कराई थी। मुजीबुर रहमान इन तीनों वेरिएशंस को इतने अच्छे से और इतनी एक्यूरेसी से इसलिए डाल लेते हैं क्योंकि उनकी फिंगर्स बहुत स्ट्रांग है और उनकी फिंगर्स में बहुत स्ट्रेंथ है और घंटों नेट प्रैक्टिस की मदद से उन्होंने इन तीनों वेरिएशंस को परफेक्ट करा है। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट हु इज योर फेवरेट बॉलर। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।